आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना साकार करने के उद्देश्य से सभी जिलों में रोजगार उत्सव की शुरुआत की गई। राजधानी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने युवाओं और नियोक्ताओं से सीधा संवाद कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने में सहयोग करने की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी के मिंटो हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, जगदीश देवड़ा, तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर शामिल हुए, जहां से प्रदेश भर के हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। रोजगार उत्सव को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का है। आत्मनिर्भरता के लिए यह जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार नहीं, रोजगार के ऊपर नई जिंदगी अपनी युवा पीढ़ी को दें और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें। मध्य प्रदेश बनेगा कब? तब जब हर हाथ काम करेगा। इसलिए हमारा संकल्प है हर हाथ को काम। उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। ये जो टीम बैठी है समर्पित टीम है, प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित है। मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से भी मैं अपील करता हूं, मिलकर साथ बढ़ें। मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना इससे कम कुछ नहीं। उस दिशा में मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार उत्सव में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अब तक बड़ी संख्या में रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं। यानी 138 रोजगार मेले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक आयोजन करके उनको किसी न किसी रूप में रोजगार के अवसर जो मिले हैं, और अगर उनका आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 लोगों को अभी तक रोजगार किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशोधरा जी के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो दिए हैं, ये एक आंकड़ा हमारे लिए एक ऐसा आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। हम लोग कभी कहते हैं, जब कभी सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि रोजगार के बारे में क्या कहना है, नौजवानों के बारे में उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में सरकार की नीति क्या है। तो मैं उन मित्रों को आज कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को उनको जरूर देखना चाहिए। मैंने हमारे नौजवान युवा मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम का उल्लेख ही इसलिए किया है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी परसों के दिन 2 दिन पहले ही संबल योजना में उन लोगों को लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को, जो उन गरीबों का संबल बनकर के योजना खड़ी है, उसके बारे में उन लोगों को काम अवसर देने का प्रयास किया। उनके खाते में 224 करोड़ रुपए एक क्लिक के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा दिए। किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, माताएं बहनें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा वर्ग छूटा हो जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध होकर के नहीं खड़ी है। और जब संवेदनशील नेतृत्व होता है, अब ये रोजगार के अवसर मैं उन मित्रों को मध्य प्रदेश के अंदर बताना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं वो, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको भी जरा जानना चाहिए कि इतने कम समय के कार्यकाल में सरकार, चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण करने के बाद से 1,44,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पहला कदम बताया। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि एक आत्मनिर्भर भारत हो जाए, और इस आत्मनिर्भर भारत पे हमारा टारगेट है हमारी वो 40% युवा पीढ़ी जिसको हम रोजगार दिलवा सकते हैं। और उसी आह्वान को लेकर मैं देखती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा अगर कोई 100 मीटर का दौड़ हो तो पहले ही वो 100
100 मीटर के दौड़ पे निकल जाते हैं सबके सामने, सबके पहले ही। तो पहला स्टेट, पहला प्रदेश जो इस आह्वान को एक्सेप्ट करने वाला, वो था हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है उसी हफ्ते, हम लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा जुनून है कि मैं आत्मनिर्भर एमपी बनाऊं, और इस आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान है प्रधानमंत्री का, उसमें हमारा मध्य प्रदेश सम्मिलित हो और देश का पहला प्रदेश हो जो आत्मनिर्भरता की दिशा पूरे देश को दिखा दे। और उसी चुनौती को लेकर एक एक डिपार्टमेंट लग गया इस निर्देश पे, और आत्मनिर्भर एमपी की तरफ जब हम मुड़ते हैं, तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो रोजगार मेला तो होना ही है। हमारे मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले की बात करी, रोजगार मेला आज उसका अंतिम चरण था, और हमारे कम से कम सारे जिले आज लाइव टीवी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, सब लाइव है, और सबके जो कॉल लेटर्स हैं वो आज दिए जाएंगे। हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे हमारे आरजीपीवी के मार्गदर्शन में, क्योंकि वहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये सब एक आधुनिक रास्ता पकड़ें जिसमें नई टेक्नोलॉजी से हमारे युवा जॉब्स उनको मिले, अच्छे जॉब्स मिले। इसीलिए डिपार्टमेंट की कोशिश रही है कि हम जुड़ें माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों से, हम जुड़ें अमेज़न जैसे लोगों से, ताकि ये सब जो आधुनिकता हम बात करते हैं, वो आधुनिकता भी हम अपने अपने आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाएं। मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे आग्रह करती हूँ कि ये प्रोत्साहन आप हमें देते रहो, कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री का हाथ जब रहता है हर डिपार्टमेंट के कंधे पे, तो हमें नई ऊर्जा मिलती है अपना काम करने के लिए। सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपनी शोभा बढ़ाई इस आज इस आयोजन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हर व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। मित्रों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने ये कोशिश करनी पड़ेगी, और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए एक अभियान रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है, और कोरोना काल में हमने शुरुआत की थी रोजगार सेतु का पोर्टल का निर्माण करके, और अभी आज कुल मिला के अब तक 144,000 लोगों को अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम हुआ है। आज भी 26,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं बच्चों को, अलग अलग जिलों में सब जगह कार्यक्रम था, और हम हर सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करके, क्योंकि बांध, सड़क निर्माण के बाकी काम, वो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव, हर घर में नल, एक नहीं अनेकों काम। दूसरा, टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार। तीसरा, जितना संभव हो सके शासकीय नौकरियों में। चौथा, प्राइवेट सेक्टर निवेश लाने की कोशिश, चाहे वह लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, बड़े उद्योगों, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुपों को स्ट्रेंथन करना हो, चाहे बच्चों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना हो,
चौथरपा हमारे प्रयास जारी रहेंगे और बच्चों के हाथों में कौशल आए, क्योंकि रोजगार का संबंध कौशल से भी है। इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क हमारी अलग अलग आइडियल आईटीआई वो कौशल उन्नयन का भी एक अभियान हमारा जारी है। तो हमारे प्रयास लगातार यही है, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो चार विभिन्न आयाम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने रोजगार उत्सव में हिस्सा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।